दोस्तों, मोदी सरकार के कार्यालय में भारत ने शानदार तरीके से अपनी ताकत में इजाफा किया है। भारतीय सेना को अत्याधुनिक हथियार, आर्टिलरी, इन्फेंट्री टैंक, रॉकेट लॉन्चर से लेकर ऐसे सैकड़ों हथियारों से लैस किया जा चुका है। वहीं इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के पास आज वर्ल्ड क्लास के वेपन है, जो युद्ध का पासा पलक झपकते ही पलट सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन हथियारों की बात न करते हुए हम भारत की शान ऐसी दो मिसाइलों के बारे में आपको बताएंगे, जिनसे दुनिया के हर देश कांपता है और डरता है। चीन और पाकिस्तान, जिसके नाम से ही उठते हैं। इन मिसाइलों की ताकत बस एक लाइन में अगर हम जानें, तो ये मिसाइलें सिर्फ एक मिनट में 6 देशों को तबाह करने की ताकत रखती है। सोचिए, ऐसी ताकत वाली मिसाइलों से लैस हमारी तीनों सेनाएं हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों मिसाइलों के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिन्हें जानकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। तो दोस्तों, दुश्मनों के लिए काल समझे जाने वाली इन मिसाइलों को करीब से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरअसल, एक के बाद एक रक्षा के क्षेत्र में नई नई इमारतें भारतीय वैज्ञानिक सेना को मजबूत करने के लिए लिख रहे हैं। ऐसा करने के पीछे भारत केवल एक ही तर्क देता आया है कि ऐसी खतरनाक मिसाइलों का प्रयोग हिंदुस्तान केवल और केवल आत्मरक्षा के लिए करने वाला है। भारत की तीनों सेनाएं एक से बढ़कर एक अपने खेमे में जंगी हथियार जोड़ रही हैं, फिर चाहे वो एयरफोर्स के लिए लड़ाकू विमान और मिसाइलें हों या फिर नेवी के लिए जंगी युद्ध पोत हो। वहीं थल सेना के लिए तोपों को भी जंगी बेड़े में शामिल किया जा रहा है। वहीं इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी सेनाएं युद्ध कौशल के साथ साथ युद्ध में फतह हासिल करने के लिए खुद को तैयार कर रही है। भारतीय वैज्ञानिक भी एक के बाद एक नई मिसाइलों को ईजाद कर भारतीय सेना को मजबूती देने की कोशिश कर रही है, जिसमें आधुनिक तकनीक से लैस मिसाइलों को बनाया जा रहा है और सेना को मजबूत करने के इरादे से सेना में शामिल किया जा रहा है। हाल ही में कई मिसाइलें तैयार हुई है और पहले से भी कई मिसाइलें सेना की ताकत की पहचान है। आज हम उन्हीं मिसाइलों के बारे में बताएंगे कि कैसे वो दुश्मन के किले को भेज सकती है। पहला नाम है सूर्य मिसाइल। भारत की सूर्य मिसाइल दुनिया की सबसे खास मिसाइल है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये मिसाइल अपने साथ एक नहीं बल्कि कई परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होगी। अगर हम इसे और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करें तो पता चलता है कि ये मिसाइल एक ही साथ कई देशों को या फिर एक ही देश के कई इलाकों को तबाह करने में सक्षम है। इतनी ताकतवर होगी ये मिसाइल कि 6 देशों को एक मिनट में ही तबाह कर सकती है। चीन और पाकिस्तान मिलकर भी देश के आगे आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। भारत के सर्वाधिक सीक्रेट प्लान के तहत बनाई गई इस मिसाइल की मारक क्षमता के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी मारक क्षमता 12,000 से 16,000 किलोमीटर तक की है। यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। वहीं पर इस मिसाइल के भारतीय सेना के जखीरे में शामिल होने के बाद भारतीय सेना हिंदुस्तान में ही बैठे बैठे यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अलास्का और उत्तरी कनाडा तक को निशाना लगा सकती है। नंबर दो पर जो भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल है वो है अग्नि 5 मिसाइल, जिसकी रफ्तार और ताकत का कोई सानी नहीं है। दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन से तनाव के बीच भारत ने सतह तक मार करने वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण पिछले साल किया था। 5,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम अग्नि 5 ध्वनि की रफ्तार से 24 गुना तेज रफ्तार से सफर तय कर लक्ष्य को निशाना बना सकते में सक्षम है। इस लिहाज से देखें तो अग्नि 5 की जद में पूरा चीन और पाकिस्तान आता है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि 5 1.5 टन का वॉरहेड अपने साथ ले जा सकती है, यानी दुश्मन देश के किसी भी शहर को ये पल भर में तहस नहस कर सकती है। इसे DRDO और भारत डायनेमिक लिमिटेड ने मिलकर तैयार किया है। DRDO और भारतीय डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा तैयार अग्नि 5 सतह से सतह पर 5,000 किलोमीटर रेंज तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। खबरों की माने तो इसे अब और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया गया है और ये मल्टीपल वॉरहेड अपने साथ कैरी कर सकती है। दोस्तों, इसका निशाना अचूक है। 8.16 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने वाली अग्नि 5 वास्तव में ध्वनि की रफ्तार से भी 24 गुना तेज है। ये 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति हासिल कर सकती है। इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। दुश्मनों के किसी भी शहर को ये देखते ही देखते निस्तनाबूद कर सकती है। इसका वजन करीब 50,000 किलोग्राम है। ये मिसाइल 1.75 मीटर लंबी है, जिसका व्यास 2 मीटर है। ये अपने साथ 1.5 टन वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मिसाइल 1500 किलोग्राम तक के परमाणु हथियार अपने साथ ले जा सकती है। सामरिक विशेषज्ञों के मुताबिक अग्नि के अलग अलग वेरिएंट बनाने वाला DRDO मल्टीपल इंडिपेंडेंट रीएंट्री व्हीकल भी तैयार कर रहा है। MIRV पेलोड में एक मिसाइल में 4 से 6 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकेगी। इन्हें अलग अलग टारगेट को हिट करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। माना जा रहा है कि अग्नि 5 अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में की जा सकती है। इस कमांड के तहत ही भारत की सभी मिसाइलों का संचालन किया जाता है। इसमें पृथ्वी, अग्नि और सूर्य जैसी मिसाइलें शामिल है। वहीं भारतीय रक्षा वैज्ञानिक अग्नि 5 के बाद अग्नि 6 बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर की होगी। इसी कमांड में समुद्र में मौजूद सैन्य मिसाइलें भी शामिल है, जैसे धनुष, सागर का आदि। दोस्तों, भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के वैज्ञानिकों की लगातार कोशिश है कि भारतीय सेना को मजबूती प्रदान की जा सके। संस्थान के वैज्ञानिकों का कहना है कि अपने देश की सेना को और मजबूत
मजबूती वो प्रदान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसके सामने किसी भी देश की सेना घुटने टेक दे और हार मान ले। दोस्तों, भारत के इन महान वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर लिखिएगा। साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।